ऑटिज्म के बच्चों को बैलेंस कोऑर्डिनेशन एम्पोर मंकी उनको पता ही नहीं चलता है. आप शाम को उसके कपड़े बदलेंगे तभी पता चलेगा अरे किधर तो गिर गया है. तो दीज आर स्मॉल थिंग्स. उसको पूरा पहना हो एटलीस्ट उतना प्रोटेक्शन तो है उसको. गार्डन में गए तो कोई इंसेक्ट आया तो उसको नहीं समझ में आता है कि मैं उसको भगा दूँ तो बाइट हो जाते हैं काफ़ी मस्कीटो बाइट. फिर खुजली किया फिर वो इन्फेक्ट हो गया वो बड़ा सूजन हो गया एब्सेस हो गया उसको. ये तो ये छोटी चीज़ें हैं कि बाहर निकलो तो फुल पहना के निकलो शूज़ पहन के निकलो. तो एज फार एज पॉसिबल वी आर प्रिवेंटिंग एनी एक्सीडेंट्स और इंजरीज. ओके ये बाहर का एनवायरनमेंट हो गया. जो हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे टू यू थिंग के निवाला डाला तो उसको अच्छी तरह च्यू करना और उसके बाद उसको स्वॉलो करना ये थोड़ा कोऑर्डिनेशन का तकलीफ रहता है. हमने काफ़ी ऑटिस्टिक चिल्ड्रन को देखा है कि वो बोलते हैं कि मुंह में खाना भरा के रखते हैं तोंडा ठेव तो लवकर चावतच नाही तो गिळतच नाही. ही हैज दी सेंसरी इश्यूज वो ही इज अनएबल टू डू दैट. तो ज़्यादातर मुंह में वो निमाला रहा तो अगेन वो डेंटल केरीज का प्रॉब्लम ओरल हाइजीन का प्रॉब्लम. वो पचता भी नहीं है एक एक घंटा लगा देते बोले घूमते रहते एक एक घंटे में मेरा एक एक मील खत्म होता है. लिटरली फ्रस्ट्रेशन आ जाता है. और आपने ये भी नोटिस किया होगा कि उनको पर्टिकुलर प्रेफरेंसेस रहते हैं कि ये टाइप का ही खाना खाएंगे आप कुछ नया ट्राई कर लो तो जल्दी नहीं करेंगे क्योंकि वो टेक्सचर्स जो होते हैं वो आई यूज टू टेक हिम टू द डिस्पेंसरी टू द डॉक्टर डिस्पेंसरी एंड दैट वाज अ बिट स्ट्रेंज बिकॉज़ माय अदर टू डॉक्टर्स माय यू नो दे नेवर बिहेव्ड इन सच अ वे सो ही जस्ट नॉट यूज्ड टू गेट इनटू द क्राउड एंड सेकंडली इफ एवर वी गो टू द मैरिज हॉल ही यूज्ड टू जस्ट you know lie on the floor or you know just sleep on the floor. He was just not ready to accept the surrounding. So you know that was a bit a question mark for us. Why is he behaving in such a way? And how old was his son at that time? Two and a half years. Two and a half. Yeah. Okay. Parents are also and I think children are getting restless. I'll begin with a little small A. जो हो गया उसे सोचा नहीं करते जो मिल गया उसे खोया नहीं करते. सफलता उन्हीं को मिलती है मेरे दोस्तों जो अपनी किस्मत और अपने हालात पे रोया नहीं करते. एंड आई थिंक पीपल आर एक्सीलेंट. आप लोग इतने मोटिवेटेड हो आप सुबह का टाइम लेके यहाँ पे आए हो तो दिस इज रीजन इनफ टू से कि आप लोगों को ये बोलना ज़रूरी ही नहीं है. But one thing is very important that please understand autism is not a tragedy. क्यों हुआ मेरे बच्चे के साथ ही क्यों हुआ मेरे ही साथ क्यों हुआ no. But ignorance is a tragedy. Autism is not a tragedy but ignorance is a big tragedy. हमारे पास accessibility है इतने अच्छे organizations हैं और अभी डॉक्टर प्रियंका ने आपको बोल दिया कि छोटी छोटी चीज़ें हैं for the caretakers for the staff to pick up autism early. बिल्कुल बचपन से हल्की चीज़ें जो हम लोग ऐसा लगता है कि नहीं मेरा बच्चा तो ठीक है ही इज़ नॉट ही इज़ मिस्चीवियस वो अपने काम में बिजी है करके नाम से बुलाया तो नहीं देख रहा है पॉइंट नहीं कर रहा है कांटेक्ट नहीं कर रहा है. तो छोटी छोटी चीज़ें हैं पर उन चीज़ों को इग्नोर नहीं करना है. आप पेरेंट्स हो उनके तो आपको तो पता ही है बट दूसरों के लोगों के लिए भी अवेयरनेस जो डॉक्टर प्रियंका ने बहुत अच्छी तरह बताया ये हो गया. मुझे आज बताया गया है कि मैं आपके साथ माने जिन बच्चों को ऑटिज्म होता है दे आर बॉर्न विथ ऑटिज्म. काफ़ी टाइम काफ़ी पेरेंट्स बोलते हैं कि भाई मैंने उसको बहुत मोबाइल दे दिया या मैं वर्किंग पेरेंट हूँ मैंने ध्यान ही नहीं दिया बच्चे को तो क्या उसकी वजह से ऑटिज्म हुआ. तो उसकी वजह से प्राइमरी कॉज नहीं होता है कि कोई बाहरी फैक्टर ने मोबाइल दे दिया या आप वर्किंग मदर हो इसलिए ऑटिज्म हुआ है. वो डेवलपमेंटल कंडीशन है वो जन्म से ही है एंड इट इज़ मोर रिलेटेड मोर टू द सोशल एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड जिसे हम बोलते हैं सोशल एंड कम्युनिकेशन डेफिसिट्स. और उसके साथ साथ हम देखते हैं कि बच्चों में टिपिकल पैटर्न ऑफ बिहेवियर होता है जैसे रेपिटेटिव बिहेवियर करते हैं बच्चे या कुछ सेंसरी कंसर्न्स है जो हम थोड़ा डिटेल में और बात करेंगे. तो जब हम बोलते हैं कि वो एक डेवलपमेंटल कंडीशन है एसोसिएटेड विद सोशल एंड कम्युनिकेशन डिफिकल्टीज सोशल इंटरेक्शन डिफिकल्टीज तो उसका मतलब child is not developed mentally means but I also want to know what is the root cause of this autism.
it from a birth or is due to environmental? It's not that. So अगर बच्चा सिर्फ बुक में से देख के सारे फ्रूट्स का नाम बोल दिया या सारे एनिमल्स का नाम बोल दिया, दैट डजंट मीन दैट द चाइल्ड हैज लर्नड समथिंग. हमें सक्सेस कब लगेगा, व्हेन द चाइल्ड इज मीनिंगफुली वो चीज कम्युनिकेट करने के लिए यूज करे. सो इट इज नॉट जस्ट वर्बल स्पीच. कुछ पेरेंट्स को मैंने एप्स, आई एम यूजिंग एप्स विद सम ऑफ द पेरेंट्स ऑन टैबलेट. फॉर सम पेरेंट्स आई एम यूजिंग कोर बोर्ड. तो कुछ पेरेंट्स के लिए आई हैव टॉट देम जेस्चर्स. एंड वन टू मोर पॉइंट्स आई वुड जस्ट लाइक टू ऐड. पेरेंट्स को टॉयज भरते नहीं आना है घर पे, लगे कि चलो इसको एंगेजमेंट करने के लिए. बिकॉज मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स आई सी, इफ दे सी मी यूजिंग समथिंग इन द सेशन, दे आर लाइक कि मैम हम ये खरीदेंगे. बिकॉज आई कैन अंडरस्टैंड, आपको लगता होगा कि नहीं हम भी सेम चीज करवाएं. बट यू डोंट हैव टू कीप बाइंग टॉयज एट होम. जो आपकी डेली एक्टिविटीज है उसमें भी आप बहुत सारी चीजें सिखा सकते हो. और तो बेसिकली यू नो इवन समथिंग इफ योर किड एंजॉयज. आई हैव टोल्ड द पेरेंट्स फॉर कमिंग हियर एंड यू नो बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस इवेंट. थैंक यू सो मच फॉर दैट. थैंक यू डॉक्टर नेहल, हु इज द सेक्रेटरी ऑफ द इंडियन अकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स, फॉर इन्वाइटिंग बालाशाह ये इवेंट ऑर्गेनाइज करने के लिए. थैंक यू सुनील एंड ऑल द टीम फॉर यू नो मेकिंग दिस अरेंजमेंट्स. सो ऑटिज्म अप्रैल, 2nd अप्रैल ऑटिज्म अवेयरनेस डे है, बट द होल मंथ ऑफ अप्रैल इज सपोज इज द ऑटिज्म अवेयरनेस मंथ. मैंने ये मंथ में यूनाइटेड नेशंस हैज यू नो गिवन दिस डे फॉर ऑटिज्म अवेयरनेस, कि हम सब लोगों को अवेयर कर सकें रिगार्डिंग ऑटिज्म, हाउ टू हेल्प चिल्ड्रन विद ऑटिज्म एंड हाउ टू हेल्प देम इंक्लूड इन द सोसाइटी. बिकॉज जैसे मिस्टर सुनील ने कहा एक्सेप्टेंस, अनदर वर्ड फॉर एक्सेप्टेंस इज इंक्लूजन. इंक्लूजन एक साल 6 महीने में माताएं वापस आती है कि बच्चा रुक गया है, हमको नहीं चाहिए, छोटा बच्चा 6 महीने का दूध पी रहा है. ये बहुत ही कठिन चीज होती है. तो प्रेगनेंसी ना रहे इसके लिए आपके पास कॉन्ट्रासेप्टिव्स बहुत सारे अवेलेबल है. आप गायनेकोलॉजिस्ट है, पीडियाट्रिशियन है, उनको पूछ सकते हैं. डिलीवरी के बाद अगर आप चाहें कि आपका दूसरा बच्चा 4-5 साल बाद रहे, तो डिलीवरी के तुरंत बाद हम कॉपर्टी डालते हैं जिसको हम PPI कहते हैं. तो डिलीवरी के जैसे जिसका पहला बच्चा है वो तुरंत डिलीवरी के बाद ही अगर प्रॉपर्टी डाल दे तो वो खुद प्लान कर सकती है कि उनको दूसरा बच्चा कब चाहिए, ताकि ऐसा ना हो कि 6 महीने 1 साल में वापस बच्चा. पर आपकी फैमिली के लिए, आपके परिवार के लिए आप ही उनकी दुनिया हो, आप समझ रहे हो. एक माँ ही एक पूरी दुनिया है अपने बच्चे के लिए, अपने फैमिली के लिए. तो आपकी हेल्थ सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है. आप अपनी हेल्थ पे ध्यान रखोगे, आप खुद एकदम सेफ रहेंगे, हेल्दी रहेंगे, तो आप अपने बच्चों का और आपके परिवार का भी उस हिसाब से ही अच्छी तरह ध्यान रख सकोगे. तो आज का दिन क्यों मनाया जाता है कि पूरे देश भर में जो मेटर्नल मोर्टालिटी रेट बोलते हैं
के प्रेगनेंसी के दरमियान, प्रेगनेंसी के टाइम अगर ख्याल रखना है प्रेग्नेंट औरत का या बच्ची का, किसी का, इसकी शुरुआत कौन करेगा? हाँ, तो आपको आज से शुरुआत करनी है। आप खुद से शुरुआत करो और आपके आजू बाजू में जो लोग हैं उनको भी ये जानकारी दो ताकि वो लोग भी ये सब करें। तो खाने का बता दिया, सोने का बता दिया, ठीक है, प्रेगनेंसी में कैसे ख्याल रखना है, डॉक्टर के पास जाना है, ये सब बता दिया। दूसरी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है टीकाकरण, जो आप इम्यूनाइजेशन बोलते हैं। सबने वैक्सीन दिया है प्रेगनेंसी में? प्रेगनेंसी में कौन सा वैक्सीन लगता है? वेरी गुड, टेटनस का वैक्सीन होनी चाहिए। जिस दिन एक लड़की जन्म लेती है उस दिन से उसके माँ बाप को उसकी देखभाल यानी आहार, पोषण, उसके सारे टीके, उसका मानसिक शारीरिक विकास, उसका हीमोग्लोबिन, उसकी हड्डियाँ मजबूत करनी तब से शुरू हो जाती है बचपन से, क्योंकि वो आगे चल के माँ बनने वाली। लेकिन दिन से ये आज नेशनल सेफ मदरहुड डे साझा कर ईयर का एक थीम होता है, तो ये ईयर का थीम है कोविड को ध्यान में रखते हुए कि कोविड में घर पे रहना है और एक प्रेग्नेंट मदर और उसके अंदर के बच्चे को कोविड से सुरक्षित रहना है। भले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने काफी रूल्स निकाल दिए हैं पर हमको ये ध्यान जरूर रखना है क्योंकि प्रेगनेंसी में अपनी इम्यूनिटी थोड़ी कम हो जाती है, तो इम्यूनिटी कम होने से अगर ये कोविड का वायरस अपने को लग गया, आप में से काफी लोगों ने, शायद सब लोगों ने दो वैक्सीन ले लिए होंगे और जिन्होंने नहीं लिए वो प्रेगनेंसी में भी लेते हैं, पर हम यूरोप में जो तकने हैं, ये है डॉक्टर नेहल शाह, ये इंडियन अकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स बॉम्बे ब्रांच की सेक्रेटरी हैं। डॉक्टर सुशांत माने हमारे एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ पीडियाट्रिक्स बाल रोग तकने हैं। डॉक्टर प्रीति है जो फिर से आपकी गायनेकोलॉजिस्ट है दूसरी यूनिट की, और मैं डॉक्टर बेला वर्मा हूँ, मैं भी बच्चों की डॉक्टर हूँ, यहीं पे जेजे में पीडियाट्रिक प्रोफेसर है, एचओडी हूँ। आज मैं सिर्फ एक लाइन बोल रही हूँ, बाकी सब ये आपको जानकारी देंगे। मुझे आपको एक बात पूछनी है कि जब माता गर्भवती होती है, माँ बनने वाली होती है, आप मुझे बताइए कि एक माता की देखभाल कब शुरू होनी चाहिए, जब उसकी शादी होती है? टेबल के पास रोके, टेबल मुझे दूध नहीं देने वाला है, कोई इंसान ही आके देने वाला है, इसलिए इंटरेक्शन वहाँ से स्टार्ट होता है। इन बच्चों में प्रॉब्लम क्या होता है, वो इंटरेक्शन वहाँ से स्टार्ट हुआ ही नहीं, दे आर नॉट कनेक्टेड टू द पेरेंट्स, दे आर नॉट कनेक्टेड टू द फैमिली, सो दे आर नॉट ऑब्जर्व्ड ऑल्सो। बच्चे सीखते कैसे हैं? ऑब्जर्वेशन के साथ। पहले दो साल बोलते तो है नहीं, पहला एक साल तो बच्चा कुछ भी वर्ड अटेंड नहीं करता है, और ब्रीड कम्युनिकेट तो करता है ना, म्यूट तो नहीं हो रहा है, कम्युनिकेट तो करता है। तो कम्युनिकेशन का पहला स्टेप क्या है? नॉन वर्बल एक्शंस, जेस्टर्स, है ना, यही डेवलप नहीं होता है क्योंकि ऑब्जर्विंग नहीं हुआ। मोठी झाडं असतील त्याला पूर्ण सूर्यप्रकाशच मिळत नाही आहे, त्याला मातीला पाण्याचा फ्लो तिकडे नीट जात नाही आहे, व्हॉट एव्हर अदर रिझन, त्याची माती त्या झाडाला पाहिजे तशी नाही आहे, सो ते झाड वाढणाऱ्या झाडाला काहीतरी मदतीची गरज आहे। सो पहिली गोष्ट, दॅट इज व्हॉट ऑटिझम अवेअरनेस, म्हणजे तुम्हाला अवेअरनेस असले पाहिजे काय नॉर्मल आहे आणि काय एबनॉर्मल आहे। आता बरीचशी मुलं can we tell this at the third month visit? No. At the third month visit, you third month visit mein kuch aur likha hai. This is for the 30 month visit. It takes into account the baby's overall development of all the domains we spoke about, right? Now go on to something a little worrisome. On the next page, you see something in red. You see something in red. What is it? Warning signs. Danger signs. Warning signs. Holistic phenomena, and it is a holistic अप्रोच, दैट्स व्हाट वी विल डिस्कस ऑल्सो, कि वो होलिस्टिक क्या है। इसमें ग्रोथ भी है,
इसमें फिजिकल, कॉग्निटिव, मोटर, इमोशनल, सोशल, हर तरह का डेवलपमेंट है, ओवरऑल डेवलपमेंट है बच्चे का. एंड देन इन 2017 लैंसेट पब्लिश्ड अ रिपोर्ट विच सेड दैट 43% चिल्ड्रन ऑफ द वर्ल्ड आर नॉट अचीविंग देयर ऑप्टिमल डेवलपमेंटल पोटेंशियल. 43%, रिमेंबर 250 मिलियन, इसका क्या मतलब?